हाय गाइस, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी। ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था। और ये मैंने लिया है सौंफ धनिया। अब मैं चिकन को बॉईल करूँगी। अब मैं इसमें सौंफ धनिया डाल दूँगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 4 गिलास पानी। अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करेंगे गाइस। देखिए गाइस, बॉईल होना शुरू हो गया है। मैंने 1 किलो चावल लिया था, इसको मैंने 1 घंटे पहले ही भिगो कर रख दिया है। आइए गाइस मसाले देख लेते हैं। ये बड़े साइज के प्याज लिए थे मैंने 4, इसको बारीक बारीक काट लिया है। और ये बड़े बड़े 4 टमाटर लिए मैंने, इसको भी काट लिया है मैंने रफली। और ये 15 से 20 हरी मिर्चें हैं, इसको भी मैंने काट लिया है। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये है 1 कटोरी दही। और गाइस ये है थोड़े से साबुत गरम मसाले। और ये है धनिया की पत्ती, आप डाल भी सकते हो और नहीं भी, जरूरी नहीं है गाइस। देखिए गाइस ये बॉईल हो चुका है, अब मैं इसको बंद कर दूंगी। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूंगी। अब सारे साबुत मसाले ऐड कर दूंगी। अब मैंने जो प्याज कट करके रखा था वो ऐड कर दूंगी गाइस। और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए गाइस गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। देखिए कैसा लग रहा है आपको। गाइस मैं इसमें से इतना प्याज निकाल लूंगी। मैंने निकाल लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरीके से भुनेंगे गाइस। अब मैंने जो हरी मिर्च काट के रखी थी वो भी ऐड कर दूंगी। गाइस मैंने सौंफ धनिया के पानी से चिकन को निकाल लिया है, ये देखिए। और ये सौंफ धनिया भी मैं एक जगह छान लूंगी इस तरीके से। सौंफ धनिया को मैंने अलग कर लिया पानी में से।
देखिए गाइस, मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। ये सारी दही ऐड कर देंगे गाइस। कैसा लग रहा है आपको, देखिए गाइस। अब मैं चिकन को फ्राई करूंगी गाइस। आप चाहें तो मसाले में भी डाल सकते हैं चिकन, मैं अलग से फ्राई करती हूँ। इसमें नमक ऐड करूंगी अपने स्वाद अनुसार, आप ऐड करना। अब मैं इसमें फूड कलर ऐड करूंगी ऑरेंज, और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। और ये मसाले भी देख लेते हैं, देखिए यार अच्छे तरीके से ये भून चुका है। इसमें से तेल निकलना शुरू हो गया है गाइस, देखिए। तो गाइस इसमें मैं डाल दूंगी अब सौंफ, धनिया का पानी, ये मसाले के अंदर। गाइस इसमें मैंने 4 गिलास पानी डाला था, अब मैं इसमें और पानी डालूंगी, 2 गिलास और। अब मैं इसको ढक दूंगी बॉईल होने तक। देखिए गाइस चिकन भी फ्राई हो चुका है। ये हो चुका हमारा चिकन फ्राई। गाइस देखिए ये मसाले वाला पानी पूरा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने चावल भिगो कर रखा था वो ऐड कर दूंगी। चावल ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप लोग जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन दबा दीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना गाइस। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी आपको। अब मैं इसको ढक रही हूँ। तो गाइस देखिए ये कैसा लग रहा है आपको, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी फूड कलर। तो गाइस ये देखिए ये है जो मैंने प्याज फ्राई किया था, और ये जो मिर्च का अचार, और ये धनिया की पत्ती।
अब मैं चिकन ऐड कर दूंगी जो मैंने फ्राई करके रखा था। गाइस जाके मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना गाइस, और बेल आइकन को भी दबा दें। अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी प्लेट में। देखिए गाइस एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है, एक भी चावल चिपका हुआ नहीं है गाइस, देख सकते हैं आप। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दें।